फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हैं एक नई जगह के साथ, ऐतिहासिक नगरी विदिशा की ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उदयगिरी की, जो कि हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जहाँ पर न सिर्फ विदिशा से बल्कि बाहर से भी हजारों लोग आते हैं। दोस्तों, जब आप लोग यहाँ आएंगे और इन गुफाओं और मूर्तियों को देखेंगे, तो महसूस करेंगे कि इतिहास की ना जाने कितनी अनसुनी कहानियों को अपने अंदर दबाए हुए हैं। तो चलते हैं आगे हम, और यहाँ की खूबसूरती से आपको रूबरू कराते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी मैंने कई ब्लॉग्स बनाए हैं, जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से उन वीडियोज को देख सकते हैं। फिलहाल हम उदयगिरी पर फोकस करते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग उदयगिरी आना चाहते हैं, तो विदिशा से मात्र 3 किलोमीटर दूर है उदयगिरी की गुफाएं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो विदिशा रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो भोपाल तक आ सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी से उदयगिरी पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ का। यहाँ पर टोटल 20 गुफाएं हैं, जो कि जैन और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। दोस्तों, इन गुफाओं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था शाकास को हराने के बाद, और यहाँ पर शुंग और मौर्य डायनेस्टी के भी कुछ अवशेष मिले हैं। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो यहाँ पर बनी हुई हैं, वो गुप्ता पीरियड के टाइम की हैं। यहाँ पर जो केव्स हैं, वो उस तरह की केव्स नहीं हैं जिनके अंदर तक हम चलते चले जाते हैं। बेसिकली पत्थरों को काट के गुफाओं का रूप दिया गया है, और इन गुफाओं में मूर्तियों को बनाया गया है, जिन्हें हम केव टेंपल या गुफा मंदिर कहते हैं। अभी मैं दिखाऊं ये आपको किस तरह से है। यहाँ पे सभी गुफाओं में ताले लगे हुए हैं, जिससे कि सेफ रहें, और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और इस जगह को पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ दिखाने जा रही हूँ जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। गुफा नंबर 5, विष्णु भगवान का तीसरा अवतार वराहा भगवान की एकमात्र मूर्ति है यहाँ पे। यह अवतार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था, जिसे राक्षस हिरण्याक्ष गहरे समुद्र में लेकर चला गया था। गंगा और यमुना नदियों को भी यहाँ बखूबी दर्शाया गया है। दोस्तों, ये जो मूर्ति है, ये उदयगिरी की सबसे बड़ी खासियत है। जो खास गुफाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रही गुफा नंबर 4। इस गुफा के अंदर शिवलिंग की प्रतिमा है, और प्रवेश द्वार पर एक मनुष्य वीणा वादन में व्यस्त दिखाया गया है, जिसके कारण इस गुफा को बीन की गुफा कहते हैं। दोस्तों, ये रही गुफा नंबर 3। इस गुफा में कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाई गई है, और उनके हाथ में एक भाला भी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है।
दोस्तों बाकी की हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल हम लोग ऊपर आ गए हैं और ऊपर से आपको ये नज़ारा दिखा रहा है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है, चारों तरफ हरे भरे खेत के मैदान और हरे भरे पहाड़ दिखेंगे आपको यहाँ से। खेत, पहाड़, जंगल, नदियों के बीच बसी उदयगिरी की पहाड़ी की सुंदरता देखते ही बनती है दोस्तों। अगर आप लोग फ़ोटोज़ खिंचाने के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है शंख लिपि। शंख लिपि का सबसे ज़्यादा संग्रह यहीं पर मिलता है और अब तक इस लिपि का अनुवाद नहीं हो पाया है। दोस्तों ये है गुफा नंबर 13 जिसे देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को लेटे हुए दिखाया गया है और उनके वाहन गरुण को भी पक्षी रूप में बैठे दिखाया गया है। दोस्तों ये मूर्ति यहाँ की सबसे खास मूर्तियों में से एक है। आक्रमण के कारण कुछ गुफाओं में तो मूर्तियां बची ही नहीं हैं और बहुत सी मूर्तियां यहां पर खंडित हैं। तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं उदयगिरी जंगल रिजॉर्ट की तरफ जो कि यहाँ से केवल 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि करीब 25 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया जा रहा है जो कि सांची को उदयगिरी से जोड़ेगा, जिससे कि हम अब डायरेक्ट सांची से उदयगिरी आसानी से आ पाएंगे। अभी फाटक बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ आराम से खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई सारे झूले भी हैं बच्चों के लिए। दोस्तों कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, जैसे टायर वॉक हो गया, रोप वॉकिंग, मंकी क्रॉलिंग, आर्चरी, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर आकर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है लेटा हुआ पेड़, शायद ही आपने कभी देखा हो।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरी तरह इस जर्नी को इंजॉय किया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।